हे गाइस व्हाट्स अप, राम है नशो तो फटे फांतू में लच रहा और लिख पप को तो फटे सनपा में आ रहा है और यही तो तुम्हारे एवा की तपा है। नहीं समझे गाइस, आप समझोगे भी नहीं क्योंकि ये हमारा कोड लैंग्वेज है और ये हर किसी को नहीं आता है। सो लेट्स गो गाइस, जिस एपिसोड का सभी को बेसब्री से इंतजार था और फैंस के जो कॉमेंट भरे हुए थे कि आप टीम 07 के साथ कब करोगे, तो गाइस आज मैं करूँगा वो एपिसोड। बहुत मजा आने वाली है, लेट्स गो गाइस। सो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं और हम लोग बढ़ते हैं अभी एक अच्छे से सफ़र के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तैयार रखा हूँ तुम लोगों के लिए गाड़ी में। सो गाइज देखो, हमारे पहले सेगमेंट में मुझे लग रहा है मैं अमीर हो गया हूँ। ऑनलाइन में से पूछा था भाई विली कैसे मारते हैं या कैसे स्टंट्स कैसे करते हैं ये वो। जहाँ भी आया हूँ, जिस मुकाम पे आया हूँ, मैं इन्हीं लोगों के वजह से आया हूँ। चड्डी पे चड्डी दो दो के ढाई किलो का हाथ 250 ग्राम का रहेगा। शादी होगी मेरी। मैटिंग ऐसी जल्दी प्यार हो जाता यार, ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइविंग पैसू बेरा, मतलब तुम एक साथ कितनी सारी चीजें लेके चल रहे हो गाड़ी में, देख रहे हो आप भाई। कॉमेडी लेके चल रहे हो, नींद लेके चल रहे हो, मासूमियत लेके चल रहे हो और इतने कंट्रोवर्सी भी लेके चल रहे हो। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो गाइस मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो गाइस, आज हमारे साथ में हमें ज्वाइन किया है अदनान, हसनैन, शादान, फैज नहीं है गाइस, मिस यू फैज, फैज मिस यू ब्रो। फैज एक रियलिटी शो के लिए गया है तो गाइस इंशाल्लाह उसको खूब पावर मिले उस रियलिटी शो में और वो जीत के आए। जीता नहीं तो मेरा भाई लास्ट तक भी रहे तो बहुत बड़ी बात है। बट हमें ज्वाइन किया है एक नए मेंबर ने और जो है हमारा बहुत ही पुराना मेंबर। तो हाय मिस्टर सोहू, हाउ आर यू ब्रो? थैंक यू सो मच फॉर सच बिग अप्रिशिएशन एंड आई डिजर्व दैट। यस ब्रो 100%। तो हमारे शो का जो सबसे पहला सेगमेंट है ना वो है टॉक ऑफ द टाउन। हमें अपना अपना मोबाइल एक साथ एक जगह पे जमा करना है तो आप ये फोन साइलेंट है, एक मोबाइल, ठीक है, एक नहीं दोनों मोबाइल, दोनों मोबाइल मेरे पास, एक फोन है, क्या है ये 18 लाख इतना सारा फोन, क्या बात है। पैसा ही पैसा हो गया। सो गाइस देखो, हमारे पहले सेगमेंट में मुझे लग रहा है मैं अमीर हो गया हूँ। सेकंड सेगमेंट ये है कि हमें बताना है हमारी सोशल मीडिया की जो चीजें चल रही है हमारी डे टू डे लाइफ में अभी उसके बारे में, ठीक है। तो मैं सिर्फ सबका एक वन लाइनर सुनना चाहता हूँ। मेरा पीओवी सोशल मीडिया को लेके है एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने जज्बात अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। क्या बात है सोहू, नई नई चीजें ट्राई करना हो गया एज इफ अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को 360 जाना चाहिए तो आई डू डिफरेंट थिंग्स, इट्स लाइक मल्टीटास्किंग फॉर मी। हसनैन फेक दुनिया, रिलैक्स टूट जाएगा साला, आदमी है कि दगड़ है रे तू। फेक सोशल मीडिया एक फेक लाइफ है गाइस, बात तो सही है। शादी उम्र तुम्हारी हुई लेगी। ठीक है, सेम आंसर है हसनैन जो बोला, एकदम परफेक्ट है, मैं उस पर एग्री करता हूँ। माय आंसर आल्सो द सेम, नथिंग। क्योंकि गाइस सच बोलूँ ना, सोशल मीडिया आज के टाइम पे ना फेक, मतलब लोग जो रियल है ना वो खुद को दिखाते नहीं है। क्या बात है, मैं बताऊँ एक, मैंने ऐसा नोटिस किया कि सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के लिए ना एक कमाई का जरिया है, कमाई का जरिया, बिजनेस है। बहुत सारे लोगों ने ना इससे बहुत पैसे कमाए हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे। जितने हम कार में बैठे हैं शायद हम भी उनमें से एक हैं। तो गाइस अपन लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना फैन बेस भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया है। बट देखो गाइस, अब ये अपने को बहुत अच्छे से पता है कि हम जब कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो उधर पे लोग प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं और हेटर्स भी बहुत होते हैं। हाँ, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जो ये नेगेटिविटी है, हाँ, इसको कैसे हैंडल करते हो, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हेटरेट आता है,
तो अदनान तुम कैसे करते हो? नेगेटिव। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। देखो जो कमेंट्स आते हैं ऑनलाइन वो सब चीजों को तो मैं इग्नोर करता हूँ, पर रियल लाइफ में ऐसे कोई उंगली करता है तो वो भी मैं एक हद तक कम है इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ऐसा ऑफिशियली चैलेंज करता है तू एक चैलेंज करता हूँ, ज्यादा कोई उंगली करता है, कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करता है, बोलता है कि हाइट कम है या ना समझ बोलते, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग को इतना ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम है काम करो लीगल तरीके से, आ जाओ भाई रिंग में फाइट कर लो, जिससे हम लोग जो भी पैसा बनाएंगे वो पूरा चैरिटी करेंगे, पूरा डोनेट करेंगे जरूरतमंदों के लिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। नेगेटिविटी अवॉइड करना ही बेटर है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में उतना सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आएगी, ये मेरा मानना है। तो आई गो लाइक दैट। ओह माय गॉड, वाओ, क्या बात है हसनैन। मेरा नाम लेके तो पैसा कमा रहा है पहली बात तो, और बात तो सही है। हाँ मतलब मेरा नाम ले रहे जिसमें कुछ बात होगी बड़े जवाब चाहिए, मगर अच्छा सा जवाब ठीक है। बात जो तुम बोले सही बोले, तुम समझ जाओ जब लोग जल रहे ना तुम्हारे पीछे, जब तुम्हारे को बैड कमेंट या कुछ कर रहे ना, तो तुम समझ जाओ कि तुम बहुत स्पीड में जा रहे हो। सबका पीओवी अलग है गाइज हैंडल करने का, अपना अपना सोशल मीडिया जिस तरीके से हम लोग हैंडल करते हुए यहाँ तक आए, वैसे ही हेटर्स को भी हैंडल करते हैं। कोई इग्नोर करता है, कोई कोई चैलेंज देता है गाइज, कोई बोलता है कि जिसमें कोई बात है तभी उसके लिए कोई बात है। तो गाइज यही सब है और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मुझे जानना है कि अगर आपको पावर मिले एक दिन आपका सोशल मीडिया स्वैप करने का, तो आप किसके साथ करोगे? अदनान रोनाल्डो। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कुछ भी। सो मैं फैजू। दिस इज बिजनेस। विराट कोहली। स्वैप करके लेकिन क्या करेंगे अपन? नाम चेंज कर लेंगे। चालाक ब्रो, चालाक। हां नाम हैकर है भाई, हैकर है, हैकर है, हैकर है भाई, हैकर है। क्या शाहरुख भाई? हां एसआरके। यस। मैं किसका करूंगा पता है? इंस्टाग्राम। ठीक है गाइज, मुझे जानना है एक चीज सबके फ्यूचर से रिलेटेड है। मुझे जानना है कि गाइज आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखना। इंशाल्लाह अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइज मैं इसी जानना चाहता हूँ आपका भी, कि आप लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा भी कुछ वैसा था, मगर अभी बस आई एम गोइंग विद द फ्लो, और मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा फैमिली मैन बनना है, मेरी फैमिली को अच्छी से अच्छी लाइफ देना है, और जल्दी से शादी वादी करके सेटल होना है। मैं भी एक बिजनेसमैन ही बनना चाहता हूँ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मैं खुद के पैसे की पिक्चर बना दूँ, प्रोडक्शन में जाना, मतलब प्रोड्यूसर बनना चाहता है। वैसे बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे अभी, बंगला बंगला करोड़ करोड़ मस्त प्लान है, दो चार बिल्डिंग करेंगे। बिजनेसमैन बनना तो ये बिजनेसमैन बनना चाहता है, फिर वही पैसे से पिक्चर भी बना देंगे। अच्छा मतलब हसनैन बिजनेसमैन प्लस प्रोड्यूसर बनना चाहता है। टेंशन नहीं है तुम्हारा, जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रोड्यूसर मिल गया। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ूंगा थोड़ा सा, या मेरा हाथ राइटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मे भी शायद मैं आर्टिस्ट वाली फील्ड की तरफ बढ़ू, लाइक सिंगिंग करना या खुद का लिखना, एंटरटेनमेंट फील्ड में वो रहेगा, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप उन लोग ने ना फैन तो देखे, और फैंस में मतलब एकदम क्रेजी से क्रेजी फैन देखे, अपने को याद है अहमदाबाद का इवेंट? अरे कैसा एक गांव में भी वो सबसे क्रेजी था, एक गांव में हाथ कट गया था, हाथ नहीं हाथ पे नाम कटा के लिखा के लाया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैन देखे हैं हम लोगों ने, तो मैं अपने अपने कोई क्रेजी फैन बताओ जिनसे तुम इंडिविजुअल मिले हो। तो वो सिक्कर करके एक जगह है वहाँ पे, वो ऑनलाइन फेसबुक पे फ्रेंड था मेरा, फैन था, फिर फ्रेंड भी बन गया था। वो ऑनलाइन मेरे से पूछा था भाई विली कैसे मारते या कैसे स्टंट्स कैसे करते, ये वो ऑनलाइन पूछ के, और वो करने लगा था क्योंकि वीडियोस वगैरह भेजता था। उसके बाद मैं फिटनेस फ्रीक भी था, मैं वर्कआउट के वीडियोस भी डालता था, तो 25 या 30 किलोमीटर उसके घर से दूर थी जिम, वो मैं वॉक जिम करता था, तो मेरे को देख के मोटिवेट होके वो 25 किलोमीटर हफ्ते में 3 या 4 बार जाता था वर्कआउट करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा भी ऐसे फेसबुक का ही टाइम था, जब मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं था शायद से, और वो टाइम पे मैं के में लाइक लेने वाला था फेसबुक पे, तो एक भिवंडी से आया था वो टाइम पे फैन, जब मैं सेल्समैन था दुकान पे धरावी में,
तब वो आया था वहाँ से, मतलब मिलने आया था, मुझे कुछ पता भी नहीं कि ये फैन और ये क्या होता है समझे। वो आके मेरे साथ फोटो लिया, मैं बोला यार मतलब क्या अच्छा लगा उसको जो भिवंडी से यहाँ पे आया फोटो लेने में, वो मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन था। पहला फैन मोमेंट था कि तू पहला मतलब सोच रहा था खुद में कि यार मैंने ऐसा क्या कर क्या किया जो ये मेरे से इतनी दूर आया फोटो लेने। हाँ, मिल कि जो हम लोग कोलकाता इवेंट गए थे एक बहुत पहले कितना टाइम होगा 4-5 साल पहले होगा, तो एक इवेंट में मेरे को बोला कि एक लड़की का बर्थडे अपने को जाने का केक कट करने का और आने का। अब वहाँ गया तो वहाँ केक कट करे वो मेरे को अकेला छोड़ दिया उसके साथ, क्योंकि वो लड़की को शायद अकेले मेरे से बात करने का था उसको, तो अकेले बात करने का था। तो उस तुम्हारा रिप्लाई क्या था? तुम्हारा रिप्लाई क्या था वो टाइम पे? तुम क्या शादी के लिए बोले क्या? थैंक यू आई लव यू ऐसी कुछ बोली नहीं, भूल जाते हो, 4 साल हो गया इस 5 साल। सोहेल सोहेल मेरे लिए ऐसा कोई फैन मोमेंट नहीं था, बट ऐसा था कि मैंने जितना भी मतलब पास्ट में जितने भी वीडियोस बनाया या जो भी मैंने काम किया ना उसके लिए केला मतलब कमेंट सेक्शन और रियल लाइव ऑडियंस जो बोलते हैं ना जब लोग बाहर आपको मिलते हैं जेन्युइनली नॉट एज अ फैन बट जब वो लोग प्रेज करते हैं ना तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वही है। और इससे रिलेटेड एक चीज पूछना है, फैसल का फर्स्ट टाइम एक क्रेजी फैन मोमेंट हुआ था। फैसल आके बहुत एक्साइटेड होकर मैं कॉलेज के लिए जा रहा था तो आके मैं मुझे वो बताया था तेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मोमेंट हुआ था और तू बहुत खुश था। फैन मोमेंट हुआ था मतलब मेरे साथ में, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं तुझे और तू बाइक पे बैठ रही था पहले आके सामने खड़े होकर सामने रह के बता रहा था अदनान यार मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कल मैं गया था शादी में और मेरे ना अब्बू लोग के सामने अम्मी लोग के सामने एक फैन आया और उसने मुझे बोला कि भाई मैं आपको जानता हूँ मैं आपके वीडियोस देखता हूँ और मुझे आपके साथ में फोटो लेनी है। तो वो मेरा सबसे पहला फैन था और मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि यार मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया बट मेरे भी फैन बन गए अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और गाइज देखो मैं हमेशा से आपको बताया हूँ कि मैं जहाँ भी आया हूँ जिस मुकाम पे आया हूँ मैं इन्हीं लोगों के वजह से आया हूँ, क्योंकि जो एक मेरा मॉरल सपोर्ट था वो एक पीछे बैठा है और एक यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है वहाँ, और एक 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 चीज बोलना चाहूंगा टीम जो गाइस जो हार्ड वर्क कर रहा है वो आगे जा रहा है। दिमाग में कोट आया भाई मेरे दिमाग में, अ टीम इज विद वन ब्रेन एंड सो मेनी हैंड्स। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ये दो है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड वर्किंग ये भी है पीछे से सोने में। मैं आऊंगा वापस से थोड़ा कम बैक करना चाहता हूं, बहुत जल्दी हंसना है लगा। ये दोनों तो छोड़ो, ये साधारण ये दोनों प्यार में रहते साधारण और फेस, ये दोनों हार्ड वर्किंग में आराम कर रहे। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डेयर चैलेंज, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अदनान से। तो अदनान ये पिक्चर का डायलॉग तो पता ही है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। देखा ये अपने बारे में ही सब कुछ बता रहा है। ये डायलॉग को है ना 3 अलग अलग वे में डिलीवर करना है, सैड एंग्री और सेंसुअल। थैंक यू आपने मुझे मौका दिया। Are you comedy me? पीछे से हंसाएगा हंसाएगा नहीं यार कोई नहीं ऐसा है, नहीं देख रहा हूं गाइस बी सी जैसा, मतलब तुम पीछे बैठे हो गुदिया सर है, तो गुदिया सर है, सॉरी सिर्फ देख रहे हम लोग फोकस। एक बार जो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी अबे यार तुम लोग बोल रहे हो अभी कभी वापस जवाब दे, एक बार जो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी, तू सैड कर रहा है ठीक है, तू सैड होना है ब्रो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, क्या बात है। एंग्री, एक बार जो मैंने तेरा क्या बोला तूने, टंगा फ्लिप हो गई है, टंगा फ्लिप हो गई है, एक मिनट वापिस से चलो। एंग्री एंग्री एंग्री, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठाकुर एक नंबर। अबे सबसे ज्यादा मजा तो लास्ट में यार सेंशुअल में सुनने का, मतलब मालूम है कैसा एकदम कैसा सेंशुअल में, पता है ना कैसा है ना, थोड़ा सेक्सी चाहिए भाई, सेक्सी चाहिए भाई। नॉटी नॉटी यू टीजिंग मी यू नॉटी नॉटी, 3 2 1 एक्शन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, थोड़ा तेरे को फील दिया एकदम। मेरा सेकंड डेयर हसनैन के लिए है, और जो ये डेयर है ना वो मुझे नहीं लगता है कि ये गाड़ी में कर पाएगा, बट मुझे ये करवाना है इसको गाड़ी में, गाड़ी में नहीं गाड़ी के बाहर, ओके ठीक है। और वो है इसको 20 सेकंड में 20 पुशअप करना है, वो नहीं हो पाएगा। सद्दू
अब जो थर्ड डेयर है वो तेरे लिए, तुझे एक मिनट तक है ना इंग्लिश में बात करना है। अरे बाप रे, क्या बाप रे, तू बोल सकता है? मेरे साथ खेल रहे हो ये मेरे साथ पूरा प्लानिंग के साथ गेम हो रहा है। सबको पता है अबे मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है, हिंदी वीक है, इंग्लिश तो दूर की नहीं नहीं गजब बेइज्जती है। व्हाट टाइम रीच लोकेशन? बेस्ट लोकेशन। ओके, गोइंग ईटिंग फूड, योर प्लान कि शादान कम लेट्स गो टुगेदर सम location eating food together. Living here. Okay. So what do you wanna eat? Chips mang raha hai. Chips mang raha hai. Chips mang raha hai. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? चाय. चाय. No. Because my flight already I'm too much late. I'm going Bangkok, bro. Oh really? Oh, yes. So my brother is calling. Come bro, my show is... Achha, you are going for a show? For no, I'm going for a meeting in Bangkok. Meeting? Who meeting? Go fast, Shadan, then go fast. So, boy, too much angry. Too much Let's angry go. Or hungry? Hungry. बहुत जोर का मुझको भूख लगा है। आ गया ट्रैक पे, एक मिनट हो गया। चल अच्छी बात क्या है पता है शादान, तूने एफर्ट दिखे भाई, एफर्ट डाला। कम ऑन। चल सोहू। यस। दुआ मिमिक्री ऑफ एनी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस। ओके, थोड़ा ट्राई करूंगा मिक्स देने का। ठीक है, चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी दो दो के ग्रेड, 2.5 किलो का हाथ, 250 ग्राम का। मेरे पास में ना कुछ रूमर्स है जो मैं लेके आया हूँ चारों के लिए। तो शुरू करते हैं हम अदनान से। अदनान और शादान को कुछ साल पहले लड़की पसंद आई थी, लेकिन उस लड़की को मैं पसंद आया। ओह डी मैन। मेरे को और शादान को, दोनों को, देखो ऐसा तो कुछ है नहीं। और अदनान और शादान को पसंद आती अगर कोई लड़की तो दोनों में से एक ना एक बैकआउट हो जाते थे, क्योंकि हम लोग ब्रो कोड पे बिलीव करते हैं और भाई की बात हाथ में डालते हैं, या भाई की पसंद को नहीं देखते। भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर फैसू ले जाए, सद्दू ले जाए, हसनैन ले जाए या सोहू ले जाए, लेके तो मेरा भाई गया ना। क्या तो बात है, ऐसा जो है घर में ही है, मतलब घर में ही है। तो नेक्स्ट रूमर है हसनैन के लिए। हसनैन को हॉलीवुड से मूवी का ऑफर आया था, बट मूवी की ओपनिंग सनराइज शॉट से थी, तो हसनैन ने मना कर दिया। अगर हॉलीवुड से आई ऑफर तो मैं मरा क्यों करूँगा, मैं सोगा ही नहीं गाइस। नींद त्याग देने के लिए रेडी हो गया भाई। और क्या ऑफर, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बट असलन तेरा एक प्रॉब्लम है ब्रो, नींद से प्यारा सोता बहुत है। सोता हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह सोता हूँ ना सनराइज के टाइम पे। आज बोल दिया इसने। ठीक है, तो मेरा थर्ड सवाल है सद्दू से। सद्दू जो इंस्टा पर एप्स के साथ पिक्चर डालता है, इज इट रियल और एडिटेड? देखो जिसके पास नहीं है ना वो बोल सकता है एडिटेड, बाकी सब जानते हैं कि रियल है। तो हमारा लास्ट सवाल है मिस्टर सोहू से। ओके, तो गाइज हमारे संवाददाता से पता चला है सोहू के बारे में कि सोहू सबसे ज्यादा पैसे छाप रहा है। अगर ऐसा, अगर अफवाह है तो सच है। अपनी पूरी आश है, जेब में रखा कैश है, अफवाह है तो सच है। है सच है सोहू? यार मैं बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ, और मैं मतलब है मेरे पास ऐसा 5-6 करोड़ है। 10 लाख कब देगा? नहीं है, नहीं ऐसा, ये अफवाह ही है। उधार की बात है तो अफवाह है। बड़ा हरामी हो बेटा। यार ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव इन पेशू है ना, मतलब तुम एक साथ कितनी सारी चीजें लेके चल रहे हो गाड़ी में, देख रहे हो आप भाई? कॉमेडी लेके चल रहे हो, नींद लेके चल रहे हो, मासूमियत लेके चल रहे हो, और इतने कंट्रोवर्सी भी लेके चल रहे हो।
आपने लॉन्ग ड्राइव विद फैसू जो सोचा, मैं सबसे पहले तो जब सबसे पहले वो चीज देखा तो इट वॉज रियली गुड, देख के अच्छा लगा। बट ये जो आपने स्टार्ट किया इसका आपका रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी इतनी फाड़ है भाई, मजा आ गया सुन के। तो उसका आपका रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट, मतलब प्रिपेरेशन काइंड ऑफ कुछ मैं जानना चाहता हूँ। देखो प्रिपेरेशन ना, जब शो मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे बहुत प्रेशर था और मुझे बहुत डर था कि मैं एक आर्टिस्ट के साथ में जब बैठूंगा तो मैं क्या बात करूंगा। बट वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ को अगर आप रेगुलर करो तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को खो देते हो और यूज टू हो जाते हो उस चीज़ में। तो मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हो गया कैमरा फेस करने में, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। और जब आज मुझे लोग इसका फीडबैक देते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा कर रहे हो आप और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए आपके, कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नंबर भाई, एक रूमर ये भी सुना हो मैंने कि ये साल तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं, मैं नहीं मानता। शादी होगी मेरी मैं नहीं बताऊंगा। 28 हो गए, 28 28 साल का हो गया हूँ, अदनान से छोटा हूँ गाइस, मैं अभी भी। तो पहले अदनान करेगा तो फिर मैं शादी करूंगा। अच्छी बात ये मगर ये इसका टोकरा इधर पे क्यों घुमा है? चीटिंग 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 करता है तू। ठीक है तो गाइज मैं करूंगा शादी इंशाल्लाह एक डेढ़ साल में, दो साल में, तीन साल में, डेढ़ दो साल में करूंगा। किसके साथ करोगे बताओगे ना? बारात किधर जाएगी, आसपास जाएगी या कहीं दूर? या थोड़ा दूर जाएगी भाई मेरे शादी में तुम लोग परफॉर्मेंस करूंगा सबकी शादी। देखते पहले किसकी होती है। देखो दिख रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले शादी करने के लायक एक ही है जो एकदम सेंटर में बैठा है। कौन एकदम सेंटर सेंटर में? हाँ मेरे को बोलना चाहिए देखो, लेकिन अभी एज में मैं कम लग रहा हूँ गाइस। कहाँ से कम लग रहा है? इमोशनल डैमेज भाई। एक रिमर सुना है मैंने कि जो ये नवी वाली जो रेंज रोवर है ना तुम्हारी, बैक रोड से लेके मेगा मॉल के बीच में 3-4 बार अलग अलग कन्याओं के साथ तुम रहा नहीं जाता भाई। एक बात सच्ची में तुमसे जानना है, एकदम जेन्युइनली इसका जवाब चाहिए मुझे तुमको, तुमने कैसे वो कन्याओं को देखे जबकि मेरा कांच काला है? ये फंस गया सी है। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं चिटबॉल चैलेंज, जिसमें है मिर्ची और इसमें सबके रैंडम नाम है। सब लोग को एक एक चिट्ठी उठाना है जिसका नाम लिखा रहेगा, उसके बारे में एक अच्छी एडवाइस और एक बुरी बात वो मिर्ची खाते हुए बताना है। लेट्स गो। अब जिसका भी जो भी नाम है सब बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम सोहू से। ओके, मुझे हसनैन के बारे में मतलब एक बुरी बात बतानी है और एक एडवाइस देनी है। बुरी बात ये है कि हसनैन फोन नहीं उठाता है। उठा लेता है बाकी बहुत लेट करता है, बट ये बुरी बात है। और अच्छी बात ये एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी पंक्चुअल और थोड़ा लाइफ को लेकर डिसिप्लिन हो जाए। दैट्स इट। तो गुड थिंग से एडवाइस देता हूँ शादन को। शादन को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, शादन पहले मिर्ची खा ले। ओह नो। हां ठीक है, शादन को ये एडवाइस देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? कि जिम भी है मालूम है मेरे को, जिम करना चाहिए, जिम अच्छी बात है, लेकिन इतना भी जिम नहीं करना चाहिए कि अपने आसपास लोगों को भूल जाओ तुम। ठीक है। और बैटिंग ये से जल्दी प्यार हो जाता है, बहुत जल्दी प्यार होता है अपने दोस्त को, बहुत जल्दी मतलब भरोसा कर लेता है। जल्दी प्यार नहीं होता, इसको समझाते हैं हम लोग बहुत, लेकिन ये अपनी चलाते हैं क्योंकि लंबे आदमी का दिमाग घुटने में होता है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। एक और बार मिर्ची खाते हुए। ठीक है हो गया। चल सद्दू। अदनान गुड एंड बैड थिंग खा रहे सब। चल ठीक है लो खा। तो गाइस अदनान की अच्छी आदत यह है कि वो अपने से पहले दूसरों का सोचता है, और बुरी आदत यह है कि वो गुस्सा बहुत जल्दी करता है। गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुस्से से चीज़ें ख़राब होती है। तो ये एक अच्छा दोस्त उसको एडवाइस दे रहा है। गुस्से पे कंट्रोल अदनान पे। गुस्सा शैतान को। मेरे बारे में बता। मेरे बारे में शैतान के अंदर गुस्सा। अच्छी आदत ये है फैसल की, ये हेट को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ इसकी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ सीखना। एक चीज़ जो मिर्ची खा के बोलेगा ये तो बैड एडवाइस क्या है? बैड बोलेगा। एक बैड थिंग नहीं बोलूंगा यार, देखो जैसा कि मैं बताया सबकी अपनी पर्सनैलिटी थी, सबकी एक अपनी थिंकिंग होती है, अपना तरीका होता है सब चीज़ों को देखने का।
जिसमें पहले की कुछ चीज़ों के वजह से वो अभी पूरी तरीके से सब चीज़ों से दूर हो गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि जब वो चीज़ें फेस किया था तो अब कोई भी चीज़ों में वो पड़ रहा नहीं है। तो एक बुरी चीज़, बुरी नहीं बोलूँगा ये सबका, जैसे मैं बताया हूँ, मुझे लगता है कि जब हक वाली चीज़ हो, सच हो, तो अपना POV रखना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कोई भी चीज़ हो जहाँ पे हक वाली बात हो, अपना POV रखो। ठीक है, मेरी बात है सोहू। हाय सोहेल। हाय। सो गाइस, दे कुछ पीने के लिए दे। सो गाइस, मेरे को सोहेल के बारे में ये कहना है, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़। अच्छी चीज़ ये है गाइस के बहुत मेहनती है। इसको मैंने जब पहली बार देखा था और पहली बार जब मिला था, मैं इसको तब से मेहनत करते हुए देखते आ रहा हूँ। इसकी बुरी आदत ये है कि अगर ये कोई चीज़ में इन्फ्लुएंस हो गया तो ये उसको, चाहे फिर हम लोग चाहे कितना भी समझाए या कितना भी सोचे कि ये चीज़ में थोड़ा सा समझ जाए और थोड़ा ध्यान दे, अब ना करे, ओवरकम नहीं कर पाता। ये इन्फ्लुएंस हो गया totally तो इन्फ्लुएंस हो गया तो बहुत मुश्किल होता है। आई एम वर्किंग ऑन इट ब्रो एंड आई विल डू इट। सभी लोगों ने अपना अपना पूरा डेयर किया है, बचता है हमारा हसनैन जिसको करना है 20 डिप्स 20 सेकंड। और गाइस नोटिस करना, ये कभी कभी ना घुटना रख के भी डिप्स मार लेता है, कभी कभी पेट टच करके ऊपर आ जाता है, नी टच रख के डिप्स मारता है और कभी पेट से ऊपर आ जाता है। 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा और ये डॉट फास्ट और फास्ट फास्ट है यार। 10 भाई, अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कौन सा सेगमेंट बहुत पसंद है। लेट्स गो, लेट्स गो।